महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा कार्यकर्ता संवाद व मेले का आयोजन रविवार ओबीसी विभाग महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भानुदास मोए की प्रमुख उपस्थिति में किया गया था। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र मलिक, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक विकास ठाकरे मुख्य रूप से उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ओबीसी विभाग द्वारा पूरे महाराष्ट्र में लोगों की प्रतिक्रिया संकलित की जा रही है। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग को लोगों की कुछ इस तरह प्रतिक्रियाएं मिली है। आम जनता का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस द्वारा सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए हैं। यही नहीं, अब तक किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसी के चलते अब कांग्रेस पक्ष को आगे बढ़कर लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, जिसके लिए कांग्रेस पक्ष को आगे आने वाले चुनाव में जीत कर लाना होगा, ऐसा आम जनता द्वारा कहा गया है। यही नहीं, बीजेपी और आरएसएस आरक्षण मुक्त भारत की नीति अपना रहा है, जिसके चलते आने वाले 2024 की चुनाव में बीजेपी चुनकर नहीं आएगी, ऐसा कार्यकर्ता मेले के दौरान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष भानुदास माली इनके द्वारा कहा गया। लोगों का मत जानने के लिए घूम रहे। मैंने आज तक 27 जिले का प्रवास किया है, 27 जिले में घूम चुका हूँ, लेकिन मेरे को एक आज्ञा मिली है कि लोगों की तरफ से एक सुझाव मिला है कि अभी कांग्रेस को आगे करना है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने हमारा पूरा नुकसान किया है। हमको झूठ बोलकर हमारा वोट्स लिया है, हमको झूठ बोलकर हमको आरक्षण दे दो, ये कर दो, वो कर दो करके सब पूरा हमारा पूरे हिंदुस्तान को ओबीसी को मूर्ख बना दिया है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा आरक्षण वापस दे दो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार और उनके पीछे काम करने वाली आरएसएस वालों की टीम हमारा ओबीसी का आरक्षण नहीं करने वाली। उनका एक नारा है आरक्षण मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस का भी एक नारा है भाजपा मुक्त भारत। यही हम करने का है, और ये कौन करता है पूरे देश में? पूरा देश में अगर काम करेगा तो ये ओबीसी समाज करेगा, मुस्लिम समाज करेगा, एनटी समाज करेगा, भटका समाज करेगा। ये लोगों को इकट्ठी करना, ये जिम्मेदारी आदरणीय हमारे नेते, कनखर नेते, महाराष्ट्र के भावी लीडर सम्मानीय पटोले साहब ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी दी। कार्यकर्ता मिलावे के दौरान विधायक अभिजीत वंजारी बोले कि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने 4 महीनों में लोगों को जोड़ने का काफी अच्छा कार्य राज्य में किया है, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में जरूर होगा। नगर पालिका का चुनाव हो या विदर्भ में अभी बहुत सारे प्रमाण में स्थानीय स्वराज्य संस्था की चुनाव है, भंडारा में जिला परिषद की चुनाव है, नगर परिषद की चुनाव है, बूंदिया में है, गढ़चिरौली में है, चंद्रपुर में है, तो आने वाले जितने भी चुनाव है वो सारे चुनाव में हम लोग इसी प्रकार से काम करने वाले हैं। दूसरी बात, नाना भाऊ पटोले हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने 4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। वो चाहते कि ओबीसी सेल और अलग अलग सेल के माध्यम से, इन विभागों के माध्यम से एक अच्छा वातावरण बने। जो ओबीसी समाज कांग्रेस में था, उसके बाद में वो कुछ समय के लिए दूसरे पार्टी में चला गया था, वापस से लोगों की इच्छा है कि ओबीसी समाज ये कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहता है बड़े प्रमाण में। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी की सत्ता थी, मोदी जी की सत्ता थी, और 5 साल में इन्होंने ओबीसी को केवल गाजर दिखाने का काम किया, लालच दिखाया, लेकिन ओबीसी का आरक्षण टिकने के लिए इन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, ये सब पब्लिक जानती है, जनता जानती है। इसलिए बड़े प्रमाण में ओबीसी का समाज, ये उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ में है, वही हम लोग इनकैश करने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के कार्य अध्यक्ष संगीता तलमले द्वारा इस कार्यकर्ता मेलावे का आयोजन रविवार को किया गया था, जिसका उद्देश्य यह है कि ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है, उसी के चलते ओबीसी संगठन मजबूत हो और आने वाले चुनाव में इस संगठन का फायदा हो सके। इसलिए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इनके आदेश अनुसार यह कार्यकर्ता संवाद मेलावे का आयोजन किया गया था। ऐसा कार्यक्रम की आयोजिका व महाराष्ट्र प्रदेश विभाग के कार्य अध्यक्ष संगीता तलमले द्वारा कहा गया है। जी, हमने अभी कार्यक्रम दिया है ओबीसी विभाग का, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आए थे भानुदास जी मारी, और आमदार आए थे अभिजीत जी वंजारी, विकास ठाकरे जी आमदार, ये सभी को हमने आमंत्रित किया था। ये सही सब लोग यहाँ पे आए हुए थे, और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो विदर्भ के दौरे पर आए थे। ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि जो अभी ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है और उसको
उसके लिए लड़ाई चल रही है, जो बीजेपी लोगों ने जो आरक्षण हमारा रद्द किया है, तो वो आरक्षण के लिए हम सब जगह संगठन बना रहे हैं ओबीसी का, प्रत्येक जिले में, शहर में, सब जगह हम अपना ये बना रहे संगठन। वो इसलिए कि आने वाले जो इलेक्शन है महानगर पालिका का हो या जो भी 2024 में विधानसभा का इलेक्शन हो, इसलिए ये संगठन मजबूत करने के लिए एक प्रोग्राम हमने लिया है। रविवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा संताजी स्मृति मंदिर गरोबा मैदान छापरू नगर में इस कार्यकर्ता संवाद मेला का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में यह संवाद कार्यकर्ता मेला व शुरू किया गया है। इसके पहल नागपुर से शुरू की, जिसका उद्देश्य ओबीसी समाज के लिए आरक्षण और उनके हित के लिए लड़ना होगा। भाजपा ने ओबीसी समाज को गुमराह किया है और अब ओबीसी समाज को न्याय दिया जाए, इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए इस कार्यकर्ता मेला का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।